अब हम सीखेंगे लवण के बारे में। लवण, लवण को इंग्लिश में हम कहते हैं साल्ट, लवण या साल्ट, ठीक है। साल्ट का मतलब यह है कि अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया, उसमें जो ठोस पदार्थ बनता है ना उदासीनीकरण अभिक्रिया में, उसे कहते हैं लवण, ठीक है। तो यहां लिखेंगे अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण, अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया में, उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनने वाला ठोस पदार्थ, बनने वाला ठोस पदार्थ क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। बनने वाला ठोस पदार्थ लवण कहलाता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया जब भी होती है, उसमें जो ठोस पदार्थ बनता है वो होता है लवण। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, एक एग्जाम्पल देता हूं। हमारे पास NH3 है और इसका रिएक्शन हमने कराया HCl से। HCl से जब आप रिएक्शन कराओगे तो यहां बनेगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। NH3 क्या है? क्षारक, क्षारनी मैं इसे कह सकता हूं इस समय, अब तक, अभी तो मैं इसे क्षारक कहूंगा। HCl क्या है? अम्ल। अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो बनता है ठोस पदार्थ, और इस ठोस पदार्थ को ही हम कहते हैं लवण, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड एक लवण है। आप इसका एक दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो, यदि इस एग्जाम्पल को एग्जाम में नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हो क्षार में NaOH ले लो आप, ये क्षार है, क्षार, और इसका रिएक्शन करा दो आप HCl के साथ जो अम्ल है। इस रिएक्शन को आपने 4-5 बार पहले भी पढ़ लिया, तो यहां से तो निकलेगा OH और यहां से निकलेगा H। बाहर का हिस्सा NaCl है जो एक लवण है, और साथ में बना जल, ठीक है। तो ये है लवण, ठोस पदार्थ जो बना उसे आप क्या कहोगे? लवण। जब अम्ल और क्षार या अम्ल या क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो इनकी क्रिया करने से जो ठोस पदार्थ बनता है उसे हम कहते हैं लवण। लवण के साथ किसी किसी रिएक्शन में जल भी बनता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जल्दी से पॉज करके लिखो, आप लिख लिया बेटे? ठीक है। अब हम बात करेंगे लवणों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। साल्ट कितने तरह के होते हैं तो मैं आपको बताता हूं। वैसे तो कई तरह के हैं, पर आप पढ़ोगे 6 प्रकार के साल्ट। 6 प्रकार के साल्ट हमारे कोर्स में हैं। उसमें से पहला है सरल या सामान्य, सरल या सामान्य लवण। सरल या सामान्य लवण का मतलब यह है कि इसमें विस्थापनीय यानी अलग होने वाले, विस्थापनीय H पॉजिटिव व OH नेगेटिव आयन नहीं होते हैं, लिख दो चलो, नहीं होते हैं। ना तो इसमें H पॉजिटिव आयन होते हैं ना तो OH नेगेटिव आयन होते हैं। जैसे आप एग्जांपल लिख सकते हो NaCl का। अब बताओ NaCl में ना तो H पॉजिटिव आयन है ना तो OH नेगेटिव आयन है। जैसे आप लिख सकते हो KNO3 एक्सेट्रा, इसमें भी ना तो H पॉजिटिव आयन है ना तो OH नेगेटिव आयन है। दूसरे प्रकार का जो लवण होता है उसे हम कहते हैं अम्लीय लवण, अम्लीय एसिडिक साल्ट। अम्लीय लवण की खासियत यह है कि इसमें H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट माने उपस्थित। जहां H पॉजिटिव आयन उपस्थित होंगे वो अम्लीय लवण होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हो आप NaHSO4। देखो इसमें H पॉजिटिव आयन है, सोडियम बाइसल्फेट कहते हैं इसे, या तो सोडियम बाइसल्फेट कहो या आप सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हो। जैसे इसका नाम सुना होगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा कहते हैं ना इसे। तो ये भी एक, इसमें भी देखो H पॉजिटिव आयन है ना, तो यदि H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होंगे तो अम्लीय लवण आप उसे कहोगे। H पॉजिटिव आयन की वजह से ही तो अम्लीय कहा, ठीक है। तीसरे होते हैं क्षारकीय लवण, क्षारकीय लवण, क्षारकीय लवण को आप कह सकते हो बेसिक साल्ट, ठीक है। बेसिक साल्ट,
पता चल गया होगा आपको, OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल लिख सकते हो MgOHCl, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, OH आयन दिखाई दे रहे ना, और जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड, इनमें आपको OH नेगेटिव आयन नजर आ रहे हैं, इसलिए हमने इन्हें कहा है क्षारकीय लवण या बेसिक साल्ट। इसी तरीके से नंबर 4 पर जो हमें लवण पढ़ने हैं उन्हें हम कहते हैं मिश्रित लवण। मिश्रित का मतलब होता है जो मिश्रण बन रहा हो, मिश्रित लवण, मिक्स्ड साल्ट। इनकी खासियत क्या है ध्यान से समझना, एक से इनमें पता क्या होता है, एक से अधिक प्रकार के, एक से अधिक प्रकार के, एक से अधिक प्रकार के धनायन होंगे या तो, या ऋणायन होंगे, या तो एक से अधिक प्रकार के धनायन होंगे या तो एक से अधिक प्रकार के ऋणायन होंगे, प्रेजेंट माने उपस्थित। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल लेते हैं ध्यान से समझना, NaKSO4, देखो Na पॉजिटिव भी है, K पॉजिटिव भी है, SO4 तो डबल नेगेटिव है, दो प्रकार के धनायन है ना, एक से अधिक प्रकार के या तो धनायन हो, देखो दो प्रकार के धनायन है, एक तो Na पॉजिटिव एक तो K पॉजिटिव, या फिर दो प्रकार के ऋणायन हो। ठीक है, CaOCl, इसमें दो प्रकार के ऋणायन हैं, ये तो सी ए तो डबल पॉजिटिव है, एक नेगेटिव ये है, एक नेगेटिव ये है, तो यदि किसी लवण में एक से अधिक प्रकार के या तो धनायन हो और या तो ऋणायन हो तो ऐसे लवण को हम कहते हैं मिश्रित लवण। ठीक है, नंबर 5 पे आते हैं द्विक लवण। द्विक लवण का मतलब डबल साल्ट, द्विक लवण डबल साल्ट, इसमें दो सरल लवण होते हैं, सरल लवणों का मिश्रण, मिश्रण नहीं लिखते, का यौगिक, ऐसा यौगिक जिसमें दो सरल लवण हो उसे आप कहोगे द्विक लवण। जैसे जैसे एग्जाम्पल आपका जाना पहचाना है, एग्जाम्पल में लिखते हैं चलो, जैसे फिटकरी, फिटकरी एक डबल साल्ट है, द्विक लवण है। फिटकरी का फार्मूला क्या होता है, फिटकरी का फार्मूला होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। देखो इसमें दो साल्ट है, एक तो पोटेशियम सल्फेट एक एल्यूमिनियम सल्फेट, दो साल्ट का मिक्सचर है। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हो मोहर लवण, मोहर लवण, मोहर लवण को हम कहते हैं मोहर साल्ट, मोहर साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका फार्मूला होता है Fe(SO4) इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4, अमोनिया के ऊपर एक पॉजिटिव है, SO4 के ऊपर दो नेगेटिव हैं, और इसमें भी जैसे यहाँ जल के 24 अणु हैं तो इसमें 6 अणु होते हैं क्रिस्टलीय रूप में, तो मोहर साल्ट में भी देखोगे ना फेरस अमोनियम सल्फेट कहते हैं इसे, एक तो फेरस सल्फेट है एक अमोनियम सल्फेट है, दो साल्ट हैं, ये तो जल है, लवण तो दो है ना, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट, तो दो लवण, यदि किसी लवण में आपको दो सरल लवण नजर आ रहे हैं तो समझ जाओ कि वो द्विक लवण है, डबल साल्ट है। ठीक है, और कितने प्रकार के पढ़े थे, 6 प्रकार के, अभी 5 पढ़े, एक और पढ़ना है नंबर 6 पे, संकर लवण, से ऐसे वाला लिखना है, संकर लवण। संकर लवण की खासियत यह है कि इसमें होते हैं संकर आयन, संकर कहते हैं जटिल को, कॉम्प्लेक्स को, मिश्रण को, संकर आयन होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं आपको संकर लवण का, जैसे K4Fe(CN6), जब ये आयनों में टूटेगा ना तो ये एक जटिल कॉम्प्लेक्स मुश्किल आयन बनेगा, बहुत बड़ा, इसके ऊपर 4 इकाई ऋण आवेश होगा। तो ऐसे आयन को जो बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता हो, अंदर बहुत सारे अलग अलग परमाणु हो या समूह हो, तो ऐसे आयन को हम कहते हैं संकर आयन। क्लास 12th में आप इस चीज को बहुत डिस्कस करोगे, पूरा का पूरा एक चैप्टर संकर आयन के ऊपर ही है, संकर लवण के ऊपर पूरा चैप्टर है, तो 12th में तो मैं आपको इसे समझा दूंगा, अभी तो इतना समझो कि इससे जो आयन बनेगा ना बड़ा सा, उसके ऊपर 4 इकाई ऋण आवेश होगा, उस बड़े से खतरनाक से जटिल से आयन को हम कहते हैं संकर आयन, और जिस भी लवण में संकर आयन होते हैं उस लवण को हम कहते हैं संकर लवण। ठीक है, जल्दी से पॉज करके लिखो, आप लिख लिया बेटे? ठीक है।